हेलो गाइस, माय नेम इज़ आकाश, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट एक्स के बारे में। फ्रंट से अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पे जो ये तीन लाइंस दिख रही हैं, तो यहां पे आपको DRLs मिल जाती हैं विद प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स के साथ। मरगार्ड की बात करें तो यार यहां पे पहले प्लास्टिक का यूज़ था, बट ये अब मेटल में कर दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। टायर देखें तो यार टायर बिल्कुल ऑफ रोडिंग टाइप इसमें मिलने वाले हैं आपको। सिंगल चैनल ABS प्लेट आपको इसमें मिलने वाली है डिस्क ब्रेक के साथ। टायर साइज़ की बात करें तो 180/17 का फ्रंट टायर इसमें आपको मिलने वाला है। और सस्पेंशन की बात करें तो ये जो आप रबड़ देख रहे हैं इसके ऊपर कंपनी ने चढ़ा के दिया, ताकि इस बाइक का रेट्रो लुक और ज़्यादा शानदार हो जाए। साइड में कुछ इस तरीके का ये बॉक्स टाइप का ये डिज़ाइन दिया हुआ है कंपनी ने, मतलब सिर्फ एक ये लुक के लिए है। और बाकी आप यार देखो यहाँ के आपको यहाँ पे बैजिंग भी मिल जाती है। साइड प्रोफाइल दिखाऊँ अगर मैं, आप साइड प्रोफाइल से देखो, साइड से बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है बाइक, जो बात है बहुत अच्छी है। यहाँ का यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है। FZX की यहाँ पे बैजिंग मिलेगी इन 3D में बैजिंग दी हुई है। कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, कलर से तो बहुत ज़्यादा शानदार है बाइक। और इसके पीछे के लुक की बात करूँ मैं, तो पीछे से प्रोफाइल देखिए यार आप, पीछे से कुछ इस तरीके की लग रही है। पीछे इसकी टेल लाइट कुछ आपको इस तरीके की मिल जाती है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं आपको, रिफ्लेक्टर भी अच्छी चीज़ है। और अगर मैं इस गार्ड की बात करूँ तो ये मतलब ये बहुत ज़्यादा चीज़ मुझे अच्छी लगी, पूरे टायर को पूरा सेव कर रहा है ये, बहुत ही अच्छा। पीछे के टायर साइज़ की बात करें तो 160R17 का टायर मिलने वाला है। और जो गार्ड दे रखा है ना इसमें आगे तक, मतलब ये कवर अप करके दिया हुआ है कंपनी ने, बहुत अच्छी बात ये मुझे लगी। और जो फुटरेस्ट के नीचे ये चीज़ दी हुई है ना, इससे बहुत अच्छा आपकी साइड से अगर बाइक गिर दी है तो ये कोई नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने देगा। ये फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसके अंदर। और जो इसका ये फ्यूल टैंक है 10 लीटर की कैपेसिटी है, रेट्रो लुक देने के लिए ब्लैक कलर का ये कुछ इस पर काम किया हुआ जो कि अच्छा है। मीटर की बात करें फुल्ली डिजिटल मीटर इसमें आपको मिलेगा। यहाँ पे आप मतलब बहुत अच्छी चीज़ देख पाएंगे इसमें, आपको फ्यूल यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे मतलब काफ़ी फुल डिजिटल है एकदम, इसमें सारी चीज़ बताने वाली भी नहीं है। ABS वगैरह और आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब चीज़ इसमें मिलेंगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक का काम किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे पर्सनली, बहुत अच्छा लगा पूरे टैंक को एक मस्कुलर लुक देने के लिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो ये। और आप भी बताइए कमेंट में कैसे लगा। सीट्स के बारे में बात करें, सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इसकी, सीट बहुत ही प्यारी लगी मुझे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइट कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको, पासिंग के लिए, इंडिकेटर के लिए, हॉर्न, और यहाँ पे इंजन ऑफ का साइन मिल जाता है आपको। तो कुल मिला के बात ये है कि यार इतने बजट में ये गाड़ी, मतलब बजट के बारे में बताऊंगा, एक्स शोरूम प्राइस क्या होने वाला है इसका और उसका ऑन रोड प्राइस क्या है वो भी बताऊंगा मैं। एक्स शोरूम प्राइस है इस बाइक का 1,16,800 रुपये। ऑन रोड प्राइस इस बाइक का मिलने वाला है आपको 1,35,736 रुपये।